बहुमूल्य जीवन उपयोगी जल की हो रही खुलेआम तहसील में बर्बादी। लगातार मोटर चल रही है और पानी तहसील परिसर में बह रहा है, जिम्मेदार कर रहे हैं अनदेखी। खुलेआम पानी की बर्बादी व अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अधिवक्ताओं में है आक्रोश। तहसील दिवस के दिन तहसील लालगंज में SDM और अन्य अधिकारियों के मौजूद होने के बावजूद लापरवाही इस कदर देखने को मिली कि लगातार कई घंटों से पानी की मोटर चलने की वजह से पानी बहता हुआ तहसील ग्राउंड में भर गया, किंतु ना किसी का ध्यान इस तरफ जा रहा है और ना ही किसी को मोटर बंद करने की सूझ रही है। परिसर में पानी भर जाने की वजह से अधिवक्ताओं को कोर्ट में आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पश्चिमी गेट की तरफ ज्यादा पानी भर जाने की वजह से आवागमन भी बाधित हो गया है। आखिर इस तरह की लापरवाही के क्या कारण हैं? क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता रहेगा या इससे जनता का भला भी किया जाएगा? जहाँ पानी के पीने के लाले पड़ रहे हैं, वहीं तहसील लालगंज में अंधाधुंध पानी बहाया जा रहा है। देखना यह है कि SDM लालगंज की नजर हो रही पानी की बर्बादी पर जाती है या वो भी अनदेखी करते हैं और यूं ही जीवनदायी पानी की बर्बादी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।